फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल कमिटमेंट। आई एम अनु सेठ, स्किन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारी बहुत कॉमन प्रॉब्लम बॉडी ओडर, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग इससे बहुत एम्बैरेसमेंट भी फील करते हैं। सो क्या ऐसा करें और होता क्यों है ये, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सो बिफोर आई स्टार्ट, फिर से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। आप सबके व्यूज़ आते रहते हैं, कॉमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो चलिए शुरू करते हैं कि बॉडी ओडर की प्रॉब्लम होती क्या है। सो हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। हम सभी जानते हैं कि इतने सारे बैक्टीरियाज हर दिन होते हैं, एंड जब हम स्वेट करते हैं तो अगर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के स्वेट में प्रेजेंट फैट एंड प्रोटीन के साथ अगर फीड करते हैं तो बैड स्मेल प्रोड्यूस होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड बॉडी ओडर, यानी कि दुर्गंध जिसको बोलते हैं। सो इससे बहुत सारा एम्बैरेसमेंट भी होता है और साथ में हमारा कॉन्फिडेंस भी डगमगाता है। सो कैसे इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके? देखिए, हम बहुत ज़्यादा कहना चाहिए स्वेट के ऊपर तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अनहेल्दी ऑल्सो, क्योंकि स्वेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स का आपको आज यूज़ करना बताएंगे जिससे आप बॉडी ओडर की इशू को कुछ हद तक सॉल्व कर पाएंगे। सो चलिए कुछ मेथड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड आई होप इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, और आप इनको ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले हम जिन कपड़ों को पहनते हैं, ऑफकोर्स कॉटन कपड़े पहनिए। कॉटन जो है वो एक ब्रीदेबल फाइबर होता है जिससे कि एयर पास होती है और स्वेट को एब्जॉर्ब करता है। उसी जगह अगर हम सिंथेटिक फाइबर लाइक पॉलिएस्टर यूज़ करते हैं सो वहाँ पे आपका जो वो फाइबर होता है उसमें एयर नहीं पास होती है, एंड आफ्टर वॉशिंग ओडर रह जाता है, यानी कि स्मेल नहीं जाती है। सो अपने कपड़ों को चेंज करिए। सो नंबर टू इज़ शावर डेली। ल्यूक वार्म वाटर का यूज़ करिए और 1 से 2 मिनट का शावर लीजिए, उससे ज़्यादा का नहीं लेना चाहिए, एंड उससे आपकी बॉडी ड्राई होगी। एंड उसके साथ साथ आप अपने आर्मपिट को प्रॉपरली क्लीन करिए और फीट को भी प्रॉपरली क्लीन करिए। इससे भी आपको बॉडी ओडर की प्रॉब्लम को से थोड़ा सा आपको निजात मिलेगी। एंड यूज़ शावर जेल इनको यूज़ करने से ये माइल्ड होते हैं, एंड इससे आपके बॉडी ओडर का इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद का स्टेप आता है हमारा ड्रिंकिंग इनफ वाटर एंड ईट हेल्दी। जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए, 3 to 4 liter वाटर इज़ रिकमेंडेड फॉर अ बॉडी, एंड अगर आप पी सकते हैं तो ज़रूर पीजिए, क्योंकि पानी पीने से आपके बॉडी के बाकी फंक्शंस में भी आपको हेल्प मिलेगी। एंड नंबर टू इज़ ईट हेल्दी में आ जाता है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक आप ज़्यादा करिए इंस्टेड ऑफ मीट एंड जंक फूड एंड ऑयली फूड, क्योंकि उससे हमारा जो स्वेट में प्रोटीन एंड फैट ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, एंड फिर बैक्टीरिया जो है उसको कहना चाहिए हेल्प हो जाएगी फीड करने के लिए, एंड उससे बॉडी ओडर की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाएगी। इसके बाद आता है टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर फीट। आपको अपने पैरों की बहुत केयर करनी है, टो नेल्स को शॉर्ट रखना है एंड प्रॉपरली क्लीन करना है, एंड उसके साथ साथ आपको उनको ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आफ्टर टेकिंग बाथ आप टॉवल से उसको प्रॉपरली ड्राई रखिए, गीला मत रखिए। आर्मपिट के हेयर रिमूव करिए, क्योंकि उससे बैक्टीरिया को जगह नहीं मिलेगी मल्टीप्लाई होने के लिए। एंड अपने क्लोजेट में, अपने कबर्ड में आप सोप रखिए।
ये सोप है, इसको रखिए, ओपन कर लीजिए एंड आप ओपन करके रख सकते हैं. दिस विल वर्क लाइक जिस तरीके से हम ओडोनिल रखते हैं ना, सो बैड स्मेल के लिए. तो आपके क्लोथ्स में बहुत अच्छी स्मेल भी आएगी एंड बॉडी ऑडोर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा. एंड आप डिओड्रेंट एंड रोलॉन्स का यूज़ करिए, एंटी पैस्परेंट इनका इस्तेमाल करिए एंड इससे आपके बॉडी ऑडोर की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी. एंड ऐसा बोला गया है कि अगर आप शाम के टाइम पर, इवनिंग टाइम पर एंटी पैस्परेंट का इस्तेमाल करते हैं, सो उसको आप लेट नाइट छोड़ देते हैं एंड देन नेक्स्ट डे हम जब अपना बाथ लेते हैं, तो उससे भी हमें बहुत मदद मिलती है, एक लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट मिलता है अपने बॉडी ओडोर के इशू के लिए. हमको कहते हैं ना, हेल्प मिल जाती है. सो होप ये सारी टिप्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी एंड इनको ज़रूर फॉलो करिएगा एंड हम एक साथ मिलकर एक दूसरे को हेल्प करेंगे एंड बैक्टीरिया फ्री करेंगे एंड हेल्दी बनाएंगे एंड हमेशा एक दूसरे को महकाते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ. थैंक यू.